हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको अवकलन की एक्सरसाइज 6.5.4 पढ़ाएंगे, जबकि लास्ट क्लास में हमने आपको 5.3 पूरा क्लियर करवा दिया था। इस एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन दिए गए। उस 10 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इनका x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष सीधा सीधा आपको अवकलन करना है और बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपको अभी इससे पहले हमने बताया कि 5.3 एक्सरसाइज की गई है, उसी बेस पर आपकी ये भी एक्सरसाइज है। कोई खास ना तो कोई अलग से स्पेशल कोई सूत्र है, ना कोई नया नियम, नया कोई नया कायदा, बस सीधा सीधा आपको अवकलन करना है जैसा कि लास्ट में हम करते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। पहला सवाल है आपका, जो भी क्वेश्चन है उसको आप बाई के इक्वेट मान लेते हैं, मानी बाई बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाई बराबर ई की पावर एक्स और अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, देखिए इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर यहां x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखना होता है आपको हमने पहले भी बताया, आज फिर बता देते हैं कि y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हम लिखेंगे dy ओवर dx। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार यहां भी लिख दें d ओवर dx e की पावर x और अपॉन में sin x। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जैसा क्वेश्चन हो उसी के अनुसार हमें करना है। यहां देखिए अंश बटे हर में ये लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो अंश बटे हर वाला ही फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्या होता है, होता है पहले लिखना होता है अंश, अर्थात सॉरी पहले हर लिखना होता है। हर क्या है, साइन एक्स। फिर क्या करना होता है, अंश का अवकलन करना होता है, मानी डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, मतलब e की पावर x का अवकलन करना होता है, फिर माइनस, फिर आप अंश लिखना होता है, अंश क्या है e की पावर x, अब हर का अवकलन करना है तो d ओवर dx sin x का अवकलन करना है, और अपॉन में क्या लिखना है, हर का स्क्वायर अर्थात sin x का स्क्वायर लिखते हैं। बोलो यहां तक कोई समस्या, केवल हमने क्या किया है, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। पहले लिखते हैं हर, फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस, फिर लिखते हैं अंश, और फिर इसके बाद हर का अवकलन, अपॉन में हर का स्क्वायर। क्लियर, बस अवकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए साइन एक्स आपका ज्यों का त्यों, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही तो होता है, आपको सीधा लिखना है ई की पावर एक्स लिखना है, फिर माइनस, ये देखो ई की पावर एक्स आपका ज्यों का त्यों, और अब साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और अपॉन में यहां पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। क्लियर, बस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि e की पावर x दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो e की पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां बचेगा कितना, साइन x, और माइनस ये e की पावर x कॉमन में चला जाएगा तो बचेगा कितना, cos x बचेगा, और बटे में लिखने हैं आपको साइन स्क्वायर x। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, किसी को कोई डाउट, तो ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हो गया। इसी के साथ चलिए दूसरा क्वेश्चन देख देते हैं, यहां इसको रब कर दें और दूसरा क्वेश्चन देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, बस देखना है कि कौन सा रूप का सवाल है, उसी के हिसाब से आपको हल करना है। देखिए नंबर दूसरा, सबसे पहले लिखा है जो सवाल लिखा होता है उसको हम y के बराबर लिख लेते हैं, तो ये y बराबर है कितना, e की पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब आपको यहां क्या लिखना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां देखो y का अवकलन क्या करेंगे, dy ओवर dx बराबर, यहां लिख दें d ओवर dx e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसको हम यहां पर x मान लें अगर, तो e की पावर x वाला यहां पर फॉर्मूला आपको लगाना है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, तो आपको e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन लिखना है, e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए d ओवर dx साइन इनवर्स x का दोबारा से फिर अवकलन करना है। ठीक है,
चलिए बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, फिर ज्यों का त्यों। अब इसका अवकलन आपको पता ही है, क्या साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस x का करना है तो x का अवकलन एक होता है, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, बस ये आंसर आ गया आपका कितना e की पावर साइन इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, दो क्लियर हो गए, लेकिन भैया लाइक नहीं किया है, एक बार पहले लाइक करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा इसको रब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है भाई, इसको भी y बराबर लिख लें, y बराबर e की पावर x क्यूब। ठीक, लिख दें यहां x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने आपको बताया बस सीधा सीधा एक ही बार जैसा एक में करेंगे वैसे ही सब सवाल में करेंगे, y का अवकलन क्या करेंगे dy ओवर dx, और यहां पर आपको लिखना है d ओवर dx e की पावर x का क्यूब। ठीक है, अब आप बताएं e, देखो ये अगर हम इसको मन में x मान लेंगे तो e की पावर x का यहां भी सूत्र लग रहा है ना, तो e की पावर x का सूत्र क्या होता है, अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन होता है x के सापेक्ष e की पावर x क्यूब ही रहेगा। अब आपको d ओवर dx x क्यूब का पुनः अवकलन करना है, बराबर e की पावर x क्यूब ज्यों का त्यों। अब बताएं इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला, तो ये n पहले अर्थात 3 पहले आ जाएगा और x इसमें से एक घटाएंगे तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर, बस यही आंसर है, तो आपको लिख देना है 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब, ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 3। ओके, कोई डाउट, इसके बाद इसको भी रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, यहां लिख दें y बराबर साइन, हर एक प्रश्न को आप y बराबर लिख लें, और साइन लिखा है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, चलिए यहां पर लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या लिखेंगे, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बराबर यहां लिख दें d ओवर dx sin tan inverse e की पावर माइनस एक्स। क्लियर, चलिए देखो ध्यान दें, ये साइन के आगे जो कोण लिखा है ये वाला कोण, तो इस कोण को क्या लिख सकते हैं, x अगर माने तो sin x का सीधा अवकलन आपको करना है। ठीक है ना, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पे आपको क्या लिखना है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर, अब काय का अवकलन हुआ है, इस साइन का हुआ है, अभी इसका दोबारा करना है आपको, तो लिख दें डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका पुनः अवकलन आपको फिर करना है। ठीक है, चलिए आगे कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, यहां देखें, अब देखिए टेन इनवर्स इसको x मान ले, इसको ये आपका x मान लिया जाएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स का x का अवकलन होता है 1 upon 1 plus x square, x का मतलब कितना है e की पावर माइनस एक्स, और इसका लगा दें आप स्क्वायर। ठीक है, अब अवकलन काय का करना है, अब अवकलन आपको करना है e की पावर माइनस एक्स का, बोलो क्लियर। चलिए और आगे देखो, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना cos tan inverse e की पावर माइनस एक्स, यहां आ जाओ, तो देखो ये तो आपका फिट लिखा है, इसको कुछ करना नहीं है, तो 1 upon 1 plus e की पावर, देखो यहां पर इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, इस घात में मल्टीपल करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। अब e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स रहेगा, अब दोबारा से माइनस एक्स का फिर करना है, तो माइनस एक्स का यहां डायरेक्ट लिख दें माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो माइनस पहले लिख लें, इसको लिख लें और इसको लिख दें, और ये अपॉन में है। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स,
और अपॉन में लिख दें कितना, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरीके से ये चार क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको रब कर दें। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको रब कर देते हैं। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा देखिए क्या है लिखा है। इसको भी y बराबर लिख लें, y बराबर log cos e की पावर x, y बराबर log cos e की पावर x लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए y का अवकलन क्या लिखेंगे, dy ओवर dx बराबर इधर लिख दें d ओवर dx log cos e की पावर x। ठीक है, देखिए समझें बात ध्यान से। हमने आपको बताया कि log के आगे जो ये लिखा हुआ है इसको हम अगर x मानते हैं तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, होता है ना। तो इसको अगर हम x मानेंगे तो ये पूरा अपॉन में आएगा, मानिए ये लिखेंगे 1 अपॉन cos e की पावर x। ठीक, क्लियर? ये देखो जो ऐसे लिखा जाता है, देखिए यहां पर हम कहीं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दें, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, इसका इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन एक्स होती है। ये जो होता है लॉग के आगे वाला ये 1 अपॉन में आ जाता है, तो यहां पर लॉग के आगे देखो ये इतना लिखा है तो ये 1 अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। अब इसका दोबारा अवकलन करना है, काय का अवकलन करना है, कॉस ई की पावर एक्स का दोबारा से फिर अवकलन करना है। ठीक है, बराबर 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू, अब चलिए यहां बताएं कॉस, ये देखो मन में अगर हम इसको एक्स मान लें तो अब कॉस एक्स का अवकलन करना है, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, ई की पावर एक्स लिखना है। अब अवकलन काय का करना है, जो जिसको हमने बताया एक्स मानते उसी का अवकलन दोबारा फिर करते हैं, तो यहां पर ई की पावर एक्स का आपको अब दोबारा से फिर अवकलन कर देना है। ठीक है ना, अब बराबर का निशान फिर लगाएं, देखो ध्यान से समझें, ये माइनस तो आपका ये हो गया, ये साइन ई की पावर एक्स है, ये कॉस ई की पावर एक्स है, तो साइन अपॉन कॉस बराबर टेन होता है, आपको लिखना है टेन ई की पावर एक्स, इन दोनों को हमने लिख दिया साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स बराबर क्या लिख दें, टेन ई की पावर एक्स लिख दें। अब ये हमारा ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, बस ये आंसर आ गया। आपको लिखना है ई की माइनस लिख दें, ई की पावर एक्स लिख दें और टेन ई की पावर एक्स, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर? चलिए इसको भी रब कर देते हैं। सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, बस केवल आपको याद ये रखना है कि अवकलन तब तक करते जाएं जब तक कि x का अवकलन 1 ना हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको भी हम y बराबर लिख दें, तो y बराबर ये लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस, और ये डॉट डॉट करके बीच में कुछ पद छोड़ दिए गए हैं, और लास्ट में लिखा है e की पावर x की पावर 5। ये देखिए छूटे हुए पद क्या हैं, आप लिख सकते हो यहां पर, देखो ये e की पावर x है, ये e की पावर x स्क्वायर है, यहां पर e की पावर x क्यूब हो जाएगा, फिर e की पावर x पावर 4 हो जाएगा, और फिर e की पावर x 5 लिखाइए सीधा सीधा। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x पावर 4 प्लस e की पावर x पावर 5, जो बीच के पद छूटे थे वो भी लिख लिए। ठीक है ना, अब लिख दें यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए देखो कैसे, यहां पर y का अवकलन तो आपको पता ही है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं बराबर, यहां पर देखो हर एक पद का अलग अलग आपको अवकलन करना है, तो हम सब पर अलग डी बाई डी डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं, क्या लिख दें, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर
प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर चार प्लस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स पावर पांच। ठीक, पूरा सब पे हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया, मतलब अलग अलग सबका हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए e की पावर x का अवकलन तो आपको खूब पता है भैया, e की पावर x ही होता है ना, प्लस का निशान लगाएं। अब बताएं e की पावर x स्क्वायर, मानते इसको हम x ही हैं, तो अगर हम इसको x मान लें तो e की पावर x ही वाला तो फॉर्मूला लगेगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, इसी प्रकार e की पावर x स्क्वायर का अवकलन e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोबारा से x स्क्वायर का फिर से अवकलन आपको करना है, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है, प्लस का निशान। यहां पे आ जाओ, e की पावर x क्यूब का अवकलन e की पावर x क्यूब लिखेंगे और x क्यूब का दोबारा से फिर कर दें तो x क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, इसमें से एक घात कम करेंगे 2 बचेगा। क्लियर, चलिए यहां पे आ जाओ, प्लस e की पावर x पावर 4, तो e की पावर x पावर 4 का e की पावर x पावर 4 रहेगा और e x की पावर 4 का फिर से अवकलन करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा और एक घात कम कर दें तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, बस एक पद आपका ये और रह गया और यहां पर लिख देते हैं, प्लस e की पावर x पावर 5 का अवकलन e की पावर x पावर 5, जबकि x पावर 5 का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा और एक घात कम करेंगे तो x की घात कितनी बचेगा 4। क्लियर, बस ये आंसर आ गया, समझो एक ही बार में काम खत्म। देखिए e की पावर x ये आपका ज्यों का त्यों, प्लस इसको ऐसे भले ही लिख दें 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे यहां लिख दें 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, ऐसे यहां लिख दें 4x का क्यूब इंटू ई की पावर एक्स पावर 4 और अंत में ये 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स पावर 5, ये आपका आंसर। ठीक है भैया, कोई समस्या? तो इस तरीके से आपके अब क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आपको लेके चलते हैं, रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, देखें भाई 7वां देखें क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन जो लिखा है उसको भी आप y बराबर लिख दें। तो देखो y बराबर लिखा है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखो हमें लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे अवकलन, देखें y का अवकलन करते हैं तो हम लिखेंगे dy वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहां पर d ओवर डी एक्स और अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन आपको करना है, ठीक है। देखिए ये अंडर रूट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस पर 1/2 पावर है। चलिए एक बार लाइन बढ़ा के आपको एक स्टेप बढ़ा दें, तो डी ओवर डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स और होल पावर लिख दें 1/2, ठीक है। अब इस घात का पहले अवकलन करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, एक्स की पावर एन वाला, ठीक है। तो पहले घात का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, ये 1/2 पहले आ जाएगा, e की पावर अंडर रूट एक्स और इसमें से अब एक घटाएंगे तो बताओ 1/2 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 1/2 बचेगा ना। इसके बाद अब आपको अवकलन करना है काय का, d ओवर डी एक्स e की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है, ठीक है, बोलो कोई समस्या। अब इसका फिर अवकलन कर दें तो काम हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बात और समझे कि ये माइनस का 1/2 घात है, तो अगर हम इसको बटे में ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी घात, ये माइनस की 1/2 घात अगर नीचे बटे में ले आएंगे तो ऐसे लिख दें, देखो 1/2, ये 2 आपका फिट लिखा है, e की पावर अंडर रूट एक्स और इसकी पावर अब आपको 1/2 लिख देनी, देखो माइनस की ऊपर थी नीचे आ गई तो ये प्लस की हो जाएगी, है ना। अब e की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन, e की पावर अंडर रूट एक्स का अवकलन e की पावर अंडर रूट एक्स ही होगा, लेकिन अब दोबारा से आपको अंडर रूट एक्स का फिर करना है। क्लियर, ये देखो x माना हमने इसको, जिसको मानते हैं ना उसी का अवकलन दोबारा हम कर देते हैं। तो अब आपको लिखना है, देखिए कितना 1/2
ये 2 है और इस पर 1/2 का मतलब है अंडर रूट का निशान लगा दें और e की पावर अंडर रूट x लिख दें। ठीक है, तो ये देखो e की पावर अंडर रूट x आपका ज्यों का त्यों, और ये देखो अंडर रूट x का दोबारा से फिर अवकलन करना है, तो अंडर रूट x का अवकलन कैसे करेंगे, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर है ना, तो वो 1/2 आपको पहले ले आना है 1/2, और x की पावर अब 1/2 में से 1 घटाना है तो क्या बचेगा -1/2। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो आपको देखो यहां पर हम अलग से समझा देते हैं। ये देखिए यहां पर आपको समझना है d ओवर dx अंडर रूट x का अवकलन। ठीक है, देखो ध्यान दें तो इसको लिख दें d ओवर dx और x की पावर 1/2, ऐसे ही तो लिखेंगे, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। अब इस 1/2 को आपको पहले ले आना है तो 1/2 पहले ले आएं और x की पावर इसमें से 1 घटा देंगे, 1/2 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1/2, अर्थात 1/2 x पावर -1/2। ये देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए और आगे देखो, बराबर ये देखो ये भी 2/2 है, ये भी 2 है, तो 2 × 2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, तो 1/4 में आपको कितना 4 लिखना है। ठीक है, 1/4 और ये माइनस का 1/2 है, अगर हम बटे में ले आएंगे तो ये अंडर रूट प्लस का हो जाएगा ना, और प्लस का मतलब अंडर रूट, प्लस का 1/2 हो जाएगा और प्लस का 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, और ये आपका ई की पावर, ये देखो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, यहां से हम रब कर दें, यहां आपको क्लियर बता दें, देखिए बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और ई की पावर अंडर रूट एक्स ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये आपका 1/2 भी लिखा हुआ है, और ये आपका 1/√x, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए माइनस का 1/2 है ना, तो अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये आपका x पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का 1/2 है तो इसका मतलब अंडर रूट का निशान लगा दें यहां पे, कोई डाउट नहीं, इसको यहां पर ऐसे। ठीक है, चलिए अब आपको केवल एक लाइन और बढ़ानी है, देखिए 1/2 × 1/2 अर्थात ये तो आपका 1/4 हो गया, ऊपर लिखा है e की पावर अंडर रूट एक्स, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, इस पर भी अंडर रूट है और इस पर भी अंडर रूट है, दोनों पर अंडर रूट है, तो एक साथ इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख दें x इंटू e की पावर अंडर रूट एक्स। क्लियर, कोई डाउट, फिर समझ लें, इसका इसमें हमने गुणा कर दिया क्योंकि इस पर अंडर रूट है और इस पर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट के भीतर हमने लिख दिया एक्स इंटू e की पावर अंडर रूट एक्स, और दो का गुणा ये 4 लिख दिया, और e की पावर अंडर रूट एक्स यूं कहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7वां। ठीक, कोई डाउट, तो चलिए इसको भी रब कर देते हैं, और 3 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के और बचे हैं, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसको भी देखो जो 8 है उसको भी बाई बराबर लिख दें, सारे क्वेश्चन हमें बाई बराबर लिख देने हैं, और लिखा है log log x, बाई बराबर log log x। ठीक है, ये ठीक है, अभी हमने आपको बताया log x का अवकलन, पहले लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बाई का अवकलन क्या लिखोगे dy ओवर dx, बराबर का निशान लगाएं, इसका अवकलन कैसे करोगे, देखो d ओवर dx log log x, ठीक, बराबर का निशान फिर देखें, ये देखिए log के आगे ये लिखा है ये इतना, इसको आप x मान लें, ये log के आगे जो लिखा है इसको क्या माने x माने, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, आपको लिखना है 1/x की जगह पे क्या है log x है, तो 1/log x, अब आपको जो x माना है ना इसको हमने x माना है, इसका फिर से अवकलन करें तो d ओवर dx log x, इसका आपको फिर से दोबारा अवकलन करना है। ठीक, बराबर 1/log x, और अब बताओ log x का अवकलन सीधा सीधा है 1/x, तो आंसर आ गया आपका कितना 1/x × log x, बोलो क्लियर, कोई डाउट, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा दें क्वेश्चन नंबर 9, इसको रब कर दें,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, y बराबर लिख दें cos x और अपॉन में log x, ठीक है। यहां देखिए अंश बटे हर का फॉर्मूला लग जाएगा, पहले लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखोगे, dy ओवर dx लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएं, और यहां पर लिखना है d ओवर dx cos x अपॉन में log x, ठीक है। अब आपको यहां पर अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। क्या होता है, पहले लिखते हैं हर अर्थात log x, अब अंश का अवकलन करना है, मानी d ओवर dx cos x, ये आपको अंश का अवकलन लिखना है, और माइनस अब अंश लिखना है ये कितना है cos x, अब हर का अवकलन करना है अर्थात d ओवर dx log x लिखना है, और फिर अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर, हर कितना है log x है, और इसको लिखना है इसका स्क्वायर। बोलो क्लियर। इसके बाद देखिए log x ये ज्यों का त्यों, cos x का अवकलन लिखना है माइनस साइन x, माइनस साइन x, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, और ये cos x आपका बिल्कुल फिट अपनी जगह पे है, और log x का अवकलन आपको लिखना है कितना, 1 अपॉन x लिखना है, ठीक है ना, और अपॉन में ये लिखना है log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये देखिए इतना हो गया ना। इसके बाद अब आप देखिए यहां पर और यहां पर दोनों पदों में क्या है, माइनस कॉमन है, ऐसा भी कह सकते हैं कि log x का सॉरी 1/x लिखा है, तो ये बटे में x है, और इसका हम अगर एलसीएम लें तो इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, और ये x कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख दें, देखो x ये माइनस का निशान है, पहले माइनस लिख दें, x लिख दें, और लिख दें log x इंटू में साइन x, और फिर माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में यहां पर लिख दें ये एक्स बटे में आ जाएगा, और लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो क्लियर। बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि माइनस ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, बाकी तो सब ठीक है। माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर अपॉन में आपको लिखना है कितना, x इंटू लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये दिख रहा है नीचे, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट, ये आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब आपको एक अंत में जो 10वां क्वेश्चन है उसको भी देख लेना है, चलिए इसको रब कर देते हैं यहां पे। 10वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या लिखा है, ये है आपका एक अंतिम क्वेश्चन 10वां, ये लिखा है देखिए y बराबर, इसको भी मान लें y बराबर cos, और ब्रैकेट में जो कोण बना है कोण की जगह पे लिखा है कितना log x, और प्लस में e की पावर x, ठीक। cos के आगे ये जो कोण में लिखा है कितना है log x प्लस e की पावर x, लिख दें यहां x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन dy ओवर dx, और बराबर यहां भी ऐसे ही लिख दें, देखो d ओवर dx cos log x प्लस e की पावर x, ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएं, और यहां पर cos के आगे जो ये लिखा हुआ है इसको हम अगर x माने तो cos x का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन और x की जगह पे आपका ज्यों का त्यों लिखना है कितना log x प्लस e की पावर x, क्लियर। ये देखो हमने इसको माना है x, तो इसी का दोबारा से फिर अवकलन करना है d ओवर dx और log x प्लस e की पावर x का दोबारा से फिर अवकलन करना है, ठीक है, बराबर माइनस साइन ब्रैकेट में लिखें log x प्लस e की पावर x। चलिए यहां पर देखिए दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये, दोनों का अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले log x का कर दें, जानते हैं 1/x होता है, ठीक है ना, और प्लस e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, साफ क्लियर हो गया ना। चलिए यहां पर देखिए x और यहां पर 1, तो x एलसीएम ले लें, बस हो जाएगा माइनस में साइन log x प्लस e की पावर x, और यहां पर देखिए x एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस x इंटू e की पावर x, ऐसे लिख दें,
ठीक है, तो बस ये बटे में x हो गया, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। एक लाइन बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन log x प्लस e की पावर x और 1 प्लस x इंटू e की पावर x और अपॉन में x लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन 10 पूरे कंप्लीट हो गए। इस एक्सरसाइज में केवल 10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, केवल और केवल मात्र 10 क्वेश्चन थे। ये आपके मेरे ख्याल से भली बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।